नंबर नेम्स की सेकंड वीडियो बेटा आज हम बनाने जा रहे हैं, और पहली जो वीडियो थी हमने 1 to 10 की थी, आज हम करेंगे 11 to 20। साथ में लर्निंग मेथड भी बताऊंगा मैं। नमस्कार बच्चों, भारत विकास क्लासेज में आप सभी का फिर से स्वागत है। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा, प्लस ऑल पर क्लिक करना ना भूलिए, ताकि मेरी बनाई हुई वीडियो आप तक पहुंचती रहे और आप उसका भरपूर फायदा उठाएं। चलिए शुरू करते हैं। नंबर नेम्स 11 to 20। पहला नंबर है बेटा 11। 11 हमें नंबर नेम क्या करने हैं बेटा, उनकी स्पेलिंग लर्न करनी है, हमें उसकी स्पेलिंग बनानी आनी चाहिए। मेन पर्पस है स्पेलिंग का, ठीक है बेटा। वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, तब ही आप इसको अच्छे से सीख पाएंगे, ठीक है बेटा। 11, 11 जो नंबर है बेटा इंग्लिश के फोनिक को फॉलो करता है, ई ल ए व एन, 11 ये फॉलो कर रहा है फोनिक साउंड को। तो अगर हमें फोनिक का थोड़ा आइडिया है तो डेफिनेटली हम इसको बना पाएंगे नंबर 11। अब आता है नंबर 12, 1 to 12। नंबर 12 ट व ए ल व ए, ट्वे, 12, 12, 12, ठीक है बेटा। हमें थोड़ा सा फोनिक से इसको बना लेना है 12, ट व ए ल व ए, 12, 1 to 12। नेक्स्ट इज 13, 13, टी एच क्या होता है बेटा, थ, टी एच क्या होता है, थ, आई आर, आई आर ई आर क्या होता है, र, अर, अर, अर की साउंड आती है, अर, अ छोटा और र, अर, थर, 13, टी डबल ई एन, ट और डबल ई जब आता है तो बड़ी ई की मात्रा और न, 13, 13, ठीक है बेटा। मेन तो 11 और 12 हैं, उनकी स्पेलिंग लर्न कर लेना, फोनिक से भी बन जाएगी 13, 13, ये बहुत आसान है। तीन लगाना है हर किसी के पीछे, आगे जो भी नंबर आएंगे उनके पीछे 13 लगाना है। 20 तक देखते हैं आज हम इनको, ठीक है बेटा। नेक्स्ट इज नंबर 14, 1, 4, 14, फोर लिखा जैसे हमने फोर लिखते हैं हम, और पीछे लगा दिया 3, ट ई न, ट डबल ई यानी बड़ी की मात्रा और न फॉर एन, ठीक है बेटा, 3, 14। नेक्स्ट इज 15, 5 की जगह हमने लिख दिया 5, और टीन यानी 10 को रिप्रेजेंट करता है, वो टीन बन जाता है 15 नंबर, 1, 5, 15, ओके। लर्निंग ट्रिक्स भी बता देता हूँ बेटा, जैसे मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था वैसे ही मैं आपको इस वीडियो में भी बता देता हूँ कि कौन कौन से लर्निंग मेथड है। सबसे पहला, अगर आपके पास इनके फ्लैश कार्ड्स हैं, नंबर नेम्स के फ्लैश कार्ड्स हैं जिसमें नंबर भी लिखा होता है और नंबर नेम भी लिखे होते हैं, वो फ्लैश कार्ड ले सकते हो नंबर 1, इससे आप इनको बार बार देखकर भी लर्न कर सकते हो। दूसरा क्या है, आप इनकी कोई पजल गेम बना सकते हो बेटा। पजल गेम कैसे बना सकते हैं, हमने बताया था कि ये कोई आप कार्डबोर्ड का टुकड़ा ले सकते हो, उनको अलग अलग शेप में कट कर सकते हो। नंबर लिखना हमने यहाँ पे 12 लिख दी, स्पेलिंग 12, ठीक है, यहाँ पे डॉट लगा दिए 12, ठीक है बेटा। तो हमें अब क्या करना है, इनको अलग अलग इस शेप में कट कर लेना है। सीजर से जब हमने इसको कट किया, फिर हमें बच्चे को टास्क देना है कि अब इन पजल को पूरा कंप्लीट करो, 12 सर्च करो, उसका नंबर नेम सर्च करो, उसके डॉट सर्च करो, ये हो जाएगा। तीसरा हम क्या कर सकते हैं, एक बड़े से कार्डबोर्ड के टुकड़े को स्क्वायर पीसेज में कट कर लेना है। स्क्वायर पीसेज में कट करने के बाद हमने उस पे नंबर नेम का एक एक अल्फाबेट लिखना है, जैसे हमने 12 का ही लिख लिया,
ठीक है। और अब इनको कट करने के बाद हमें सर्च करना है कि नंबर नेम 12 का जितने भी हमारे पीसीज हैं वो एक साथ इकट्ठे करो और उनको एक लाइन में लगाइए। ये भी हमारा एक पजल हो जाएगा, सोल्व करने का तरीका हो जाएगा और उससे हमें ये लर्न भी हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर 16 तो बेटा बड़ा सिंपल है, फोनिक से बनता है और टीन हमने 10 को रिप्रेजेंट करने के लिए लिख दिया, टीन। ठीक है बेटा, नंबर कौन सा बन गया 16। नेक्स्ट इज नंबर 17 और टीन, 7 हमने लर्न कर लिया था 1 to 10 में ही और फिर हमने लिखा है टीन। 18, अब 8 पहले लिखने के बाद डबल टी नहीं आता, 18 ट का साउंड यहीं से लेना है और इसी को टीन बना देना है, ये ध्यान रखने योग्य बात है। ठीक है, टी का साउंड हमें यहीं से लेना है और डबल ई लगाना है, टीन, राइट। 18 हो गया, 19, नंबर 9 और टीन 19, 9 सेम जैसे हमने 1 to 10 में किया था और टीन लगा दिया टू रिप्रेजेंट 10, राइट बेटा। लास्ट बट नॉट द लिस्ट इज नंबर 20 की स्पेलिंग बेटा लर्न करनी होगी, ट व ए न ट ई, 20। ठीक है बेटा, ये ध्यान रखना, टी डब्ल्यू ई एन टी वाई हम इसको लर्न कर सकते हैं। अब ऐसे ही अगर हम आगे बढ़ेंगे तो 21 लिखेंगे, 21 के लिए 22 करेंगे, ऐसे फर्दर 1 2 3 4 5 6 7 आगे आ जाएगा 30, नंबर 30, थर्टी। ठीक है बेटा, ऐसे ही 31 2 3 4 5 6 7 फिर आ जाएगा नंबर 40। ठीक है बेटा, इस प्रकार से हम 100 तक कर सकते हैं, हल्का फुल्का 50 60 70 80 90 और 100, इनकी स्पेल लर्न करने के बाद हमें सारी की सारी 100 तक का नंबर नेम लर्न हो जाएगा, है ना आसान, बताइए। अगर आपको ये वीडियो समझ आई है और कुछ सीखा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, इससे थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। मैं उम्मीद करता हूँ आप वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे, शेयर ज़रूर करेंगे और अगर फिर कुछ समझ नहीं आया है तो मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। ठीक है बेटा, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, माता पिता से प्यार करें, देश से प्यार करें, वंदे मातरम।